नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। साथियों, आज के इस वीडियो में उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2023 में पूछे जाने वाले जीके जीएस के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं। और मैं बता दूं, हमारे चैनल पर आपको सुबह प्रतिदिन 9 बजे एक जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट आता है, जबकि शाम के 9 बजे दूसरा जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट आता है, जो यूपी परीक्षा 2023 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है। आज के इस वीडियो का टारगेट है मात्र 100 लाइक का, तो आप सभी लोग इस टारगेट को ज़रूर पूरा करेंगे, मुझे आप लोगों पर पूरा भरोसा है। आज के प्रैक्टिस सेट में आपको 37 में से कम 25 प्रश्न तो आपको हर हाल में सही करने ही होंगे। अगर आप इससे कम स्कोर कर पा रहे हैं तो आपकी तैयारी अभी सही नहीं चल रही, अभी आपको और ज़्यादा तैयारी करने की ज़रूरत है। तो प्रैक्टिस सेट को पूरा करिएगा, प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको आपकी तैयारी पता लग जाएगी, आपकी तैयारी यूपी पुलिस परीक्षा 2023 के लिए कैसी चल रही है। प्रैक्टिस सेट पसंद आता है तो इसे आप अपने सभी छोटे भाइयों बहनों के पास जरूर शेयर कर देना, जिससे वो भी उस प्रैक्टिस सेट को लगाएं और उन लोगों को भी अपनी तैयारी का पता लग पाए कि उनकी तैयारी कैसी चल रही है। इससे पहले मैं जीके जीएस के 269 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर चुका हूँ, अगर आपने वो अभी तक नहीं देखे तो सारे प्रैक्टिस सेट आपको प्ले लिस्ट मिल जाएंगे, वहाँ से जाकर के आप एक एक करके सभी प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं और अपनी तैयारी को धार दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना जीके जीएस के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट नंबर 270। तो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि हिमालय के तराई में कौन से वन पाए जाते हैं। तो कौन से वन पाए जाते हैं हिमालय के तराई में, ये आपको बताना है। तो हिमालय के तराई में पाए जाते हैं सदाबहार वन। कौन से सदाबहार वन है ये हिमालय के तराई में पाए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि दाचीग्राम अभ्यारण भारत के किस राज्य में है। तो कौन से राज्य में दाचीग्राम अभ्यारण, ये आपको बताना है। तो दाचीग्राम जो अभ्यारण है ये है भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में। किसमें है, जम्मू कश्मीर में है दाचीग्राम अभ्यारण, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि नेपा किस राज्य का पुराना नाम है। तो किसका पुराना नाम है नेपा, ये आपको बताना है। तो नेपा है अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम। किसका, अरुणाचल प्रदेश का, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि सुमात्रा की जनजाति का नाम क्या है। तो क्या है सुमात्रा की जनजाति का नाम, तो यहाँ की जनजाति का नाम है सेमांग। क्या, सेमांग है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कनिष्क की राजधानी कहाँ स्थित थी। तो कहाँ पर स्थित थी कनिष्क की राजधानी, तो इसकी राजधानी थी पुरुषपुर में। कहाँ पर, पुरुषपुर में, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि पश्चिमी घाट पर्वत का दूसरा नाम क्या है। तो क्या है दूसरा नाम पश्चिमी घाट पर्वत का, ये आपको बताना है। तो इस पर्वत का दूसरा नाम है क्या है, बताइए जल्दी से। तो दूसरा नाम है सह्याद्री पर्वत। कैसा, सह्याद्री पर्वत, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हेपेटाइटिस शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। तो कौन से अंग को प्रभावित करता है हेपेटाइटिस, ये आपको बताना है। तो हेपेटाइटिस प्रभावित करता है यकृत को। किसको, यकृत को प्रभावित करता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिण रोडेशिया के नाम से किस देश को जाना जाता है। तो कौन से नाम से जाना जाता है दक्षिण रोडेशिया को, तो ये जाना जाता है जिम्बाब्वे के नाम से। किससे, जिम्बाब्वे के नाम से, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे दुर्बल क्षार कौन सा है, तो कौन सा है सबसे दुर्बल क्षार, ये आपको बताना है। तो ये है अमोनिया। कौन सा, अमोनिया है सबसे दुर्बल क्षार, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी देश की आर्थिक वृद्धि का उत्तम मापकांक क्या होता है। तो क्या होता है किसी देश की आर्थिक वृद्धि का उत्तम मापकांक, तो ये होता है जीडीपी। कौन, जीडीपी होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, ये आपको बताना है। तो ये स्थित है देहरादून में। कहाँ पर, देहरादून में है
भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कल्पना चावला की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो कब हुई थी कल्पना चावला की मृत्यु जो अंतरिक्ष से अपने देश भारत लौट रही थी? तो इनकी मृत्यु हुई थी 2003 में। कब? 2003 में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि प्रोफेसर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है प्रोफेसर सतीश चंद्र अंतर्राष्ट्रीय धवन केंद्र? तो ये स्थित है आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बोलिविया की राजधानी कहाँ है? तो कहाँ पर है बोलिविया की राजधानी, ये आपको बताना है। तो इसकी राजधानी है हरारे में। कहाँ पर है? हरारे में है बोलिविया की राजधानी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि नवपाषाण काल की सबसे बड़ी उपलब्धि है? तो कौन सी है नवपाषाण काल की सबसे बड़ी उपलब्धि, ये आपको बताना है। तो ये है पहाड़ी पहिए का प्रयोग। कैसा? पहिए का प्रयोग है नवपाषाण काल की सबसे बड़ी उपलब्धि। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि चीन में लाल क्रांति किस वर्ष हुई थी? तो किस वर्ष हुई थी चीन में लाल क्रांति, ये आपको बताना है। तो ये हुई थी 1949 में। कब? 1949 में हुई थी चीन में लाल क्रांति। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि समुद्र तल पर बैरोमीटर से पारे का स्तर कितना होता है? तो कितना होता है समुद्र तल पर बैरोमीटर से पानी का स्तर? तो ये होता है 76 मिमी। कितना? 76 मिमी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि प्रथम एशियाई खेल में कितने देश शामिल हुए थे? तो कितने देश शामिल हुए थे प्रथम एशियाई खेल में, ये आपको बताना है। तो ये हुई थे टोटल 11 देश। कितने? 11 देश। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्यापार संतुलन प्रतिकूल होता है जब आयात निर्यात से होता है, तो कैसा होता है ये आपको बताना। तो ये आयात से अधिक निर्यात होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम विद्युत रेलवे किस वर्ष चलाई गई? तो किस वर्ष चलाई गई थी प्रथम विद्युत रेलवे, ये आपको बताना है। तो ये चलाई गई थी 1925 में। कब? 1925 में प्रथम विद्युत रेलवे। ऑप्शन नंबर बी इसका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के दार्शनिक राष्ट्रपति कौन थे? तो कौन थे भारत के दार्शनिक राष्ट्रपति, ये आपको बताना है। तो ये थे एस राधाकृष्णन। कौन? एस राधाकृष्णन थे भारत के दार्शनिक राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विषुवत वृत्त पर वार्षिक औसत तापमान कितना होता है? तो कितना होता है? तो ये होता है 26 डिग्री सेल्सियस। कितना? 26 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस? तो ये मनाया जाता है 7 अप्रैल। कब? 7 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि झारखंड राज्य की राजधानी कहाँ है? तो कहाँ पर है झारखंड राज्य की राजधानी, ये आपको बताना है। तो ये है रांची में। कहाँ पर? रांची में है झारखंड राज्य की राजधानी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सोमपेंस कहाँ के निवासी हैं? तो कौन से देश के निवासी हैं सोमपेंस, ये आपको बताना है। तो सोमपेंस हैं, ये है निकोबार। किसके? निकोबार के हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि झारखंड राज्य की प्रमुख नदी कौन सी है? तो कौन सी है झारखंड राज्य की सबसे प्रमुख नदी? तो ये है दामोदर। कौन सी? दामोदर है। ऑप्शन नंबर टी इसका राइट आंसर हो जाएगा। श्रीनगर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो कौन सी नदी के तट पर बसा हुआ है श्रीनगर, ये आपको बताना है। तो ये बसा हुआ है झेलम नदी के तट पर। किसके? झेलम नदी के तट पर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
वर्जिन एयरलाइंस किस देश का है? तो कौन से देश का है वर्जिन एयरलाइंस, ये आपको बताना है। तो ये है ब्रिटेन का, कहाँ का, ये ब्रिटेन का है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेशनल टेनिस एकेडमी कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है नेशनल टेनिस एकेडमी, ये आपको बताना है। तो कहाँ पर है, तो ये है गुड़गांव में। कहाँ पर है, गुड़गांव में है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि झूलती घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो किसके द्वारा होता है झूलती घाटी का निर्माण? तो इसका निर्माण होता है हिमानी के द्वारा। किसके? हिमानी के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि झारखंड राज्य के गठन के समय जिलों की संख्या कितनी थी? तो कितनी संख्या थी जब झारखंड राज्य का गठन हुआ था? तो उस समय जिलों की संख्या थी टोटल इसमें 18। कितनी? 18 थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि एस्टिगमैटम नामक रोग का संबंध किस अंग से है? तो कौन से अंग से है इस रोग का संबंध? तो इस रोग का संबंध आँख से। किससे है? आँख से है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में झारखंड में जिलों की संख्या कितनी है? तो कुल कितनी है जिलों की संख्या झारखंड में? तो ये है टोटल 24 जिलों की संख्या झारखंड में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने प्रेरकत्व की इकाई क्या है? तो क्या है प्रेरकत्व की इकाई, ये आपको बताना है। तो प्रेरकत्व की इकाई है हेनरी जूल। कितनी? हेनरी जूल है प्रेरकत्व की इकाई। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। झारखंड राज्य की औद्योगिक राजधानी किसे कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है झारखंड राज्य की औद्योगिक राजधानी? तो इसकी औद्योगिक राजधानी कहा जाता है जमशेदपुर। कैसे? जमशेदपुर को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि झारखंड दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है झारखंड दिवस, ये आपको बताना है। तो झारखंड दिवस है ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष 15 नवंबर का, 15 नवंबर को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। झारखंड राज्य के प्रथम मुगल प्रधानमंत्री कौन थे? तो कौन थे झारखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री? तो झारखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री थे बाबूलाल मरांडी। कौन? बाबूलाल मरांडी थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब आप बताइए कि आपने हमारे 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों में से कितने प्रश्न हैं जो सही किए, और आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसे लगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय अमीर करे साथियों।